छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जसपुर जिले के उड़ीसा राज्य की सीमा पर लगे तपकरा थाना की पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा के साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा राज्य में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी किए जाने की मुखबिरों से मिली सूचना पर जसपुर पुलिस ने जिले की सीमा पर लगे 2 चेक पोस्ट पर बारीकी से जाँच की, जहाँ संदिग्ध कार की तलाशी में लाखों का गांजा पकड़ाया है। पुलिस ने गांजा व इस अवैध कारोबार में उपयोग लाए जा रही कार को भी जब्त कर लिया है। तपकरा पुलिस ने गांजा तस्करी करते पकड़ाए 4 तस्करों को नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर जिले में अवैध गांजा के परिवहन को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है और आज हम लोग का पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का जो तस्करी है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। तपकरे थाना के अंदर का सुबह एक SUV में 4 पैकेट्स बड़े बड़े मिले, जिसमें सर्च के दौरान 90 किलो से ऊपर का जो है गांजा मिला है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। सर, कैसे इस अपराध को और रोकेंगे, क्या कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग का एक तो इनपुट लेना कहाँ से निकल रहा है, हम लोग मीडिएटर्स भी बनाते हैं, इन्फॉर्मर्स बनाते हैं ताकि अवैध तस्करी को पूरी तरीके से लगाम लगा सकें। नवाबों के शहर लखनऊ में नशे का कारोबार करने वाले गांजा तस्कर उड़ीसा से तपकरा होते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जाते समय पुलिस के सिकंजे में आ गए। इन तस्करों के पास से लगभग 1 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरहदी सीमा पर आए दिन गांजा तस्करी की घटना देखी जाती है। इंडियन न्यूज़ के लिए स्टेट हेड नरेश की रिपोर्ट।